जलवायु विज्ञान में इससे पहले हम लोगों ने धरातल पर तापमान का वितरण पढ़ा। हमने देखा कि धरातल के किन भागों में तापमान का वितरण किस प्रकार हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में क्या स्वरूप है तापमान वितरण का और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान के वितरण का स्वरूप क्या है, और उस हिसाब से समताप रेखाओं में किस तरह से अंतर पाया जाता है, अगर उत्तरी गोलार्ध की हैं या फिर दक्षिणी गोलार्ध की हैं, है ना। समताप रेखाओं के माध्यम से आपने समझा कि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में तापमान वितरण में काफ़ी असमानता पाई जाती है। इस अध्याय में हम धरातल पर तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारण पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो धरातल पर तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। क्लियर। धरातल पर तापमान किन किन बातों से प्रभावित होता है यहाँ पे लिखा हुआ है। उनमें से सबसे पहले स्थान पर आता है सूर्यताप की मात्रा। सूर्यताप की मात्रा के अलावा ऊंचाई, एक ही स्थान पर अगर आप ऊपर जाते हैं, है ना, पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं तो तापमान अलग हो जाता है, तो ऊंचाई काफ़ी प्रभाव पड़ता है। महाद्वीपीय और महासागरीय प्रभाव भी अपना काम करता है, इस पर डिपेंड करता है कि वो स्थल महासागर पर है या महाद्वीप पर है। इसके अलावा महासागरीय धाराएं भी तापमान वितरण को प्रभावित करती हैं। पिछले अध्याय में भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा देखा था कि किस तरह से गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा जब उत्तरी अटलांटिक महासागर को पार करते हुए नॉर्वे पहुंचती है, उसी को वहाँ पर नॉर्वेजियन करंट कहते हैं, इसे हम उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा भी कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो वो गर्म जलधारा जब उत्तरी ध्रुव के पास नॉर्वे के पास पहुँचती है तो वहाँ पर बर्फ़ को पिघला देती है, जिससे हिमखंड पिघल जाते हैं और मौसम सुहावना हो जाता है, और कभी कभी बारिश भी होती है जबकि ध्रुवों पर बारिश नहीं होती है, तो इसी गर्म जलधारा के चलते वहाँ बारिश हो जाती है। इन सब बातों का हम विस्तार में अध्ययन करेंगे। एक अन्य पॉइंट है प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें जो साल भर पृथ्वी पर चलती हैं एक दिशा में, वो अपनी दिशा नहीं चेंज करती हैं, ऐसे पवनों को हम प्रचलित पवनें कहते हैं। तो धरातल पर तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्यताप की मात्रा, ऊंचाई, महाद्वीपीय और महासागरीय प्रभाव, महासागरीय जलधाराएं और प्रचलित पवनों को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे सूर्यताप की मात्रा का। सूर्यताप की मात्रा, तो जब हम सूर्यताप की मात्रा का अध्ययन करेंगे तो पूरी पृथ्वी पर सूर्यताप की मात्रा एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। किसी भी गोल वस्तु पर अगर आप टार्च जलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो टार्च का प्रकाश है, उस गोल वस्तु को आप फुटबॉल मान लीजिए, तो आपके टार्च का प्रकाश फुटबॉल को एक समान रूप से प्रकाशित नहीं करता है, अलग अलग हिस्सों पर प्रकाश अलग अलग मात्रा में पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है। तो सूर्यताप की मात्रा पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है, क्या विषुवत पर और ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्यताप की मात्रा एक प्राप्त होती है, या फिर विषुवत और ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्यताप की अलग अलग मात्रा प्राप्त होती है, और अगर अलग अलग होती है तो क्यों होती है। तो सूर्यताप की मात्रा पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है इसका अध्ययन करेंगे। सूर्यताप की मात्रा पर आपतन कोण का प्रभाव पड़ता है। आपतन कोण मतलब सूर्य की किरणों द्वारा धरती पर बनाया गया कोण। सूर्य की किरणों द्वारा धरातल पर बनाया गया कोण, इसको हम कहते हैं आपतन कोण। हम इसको विस्तार से समझेंगे। आपतन कोण के अलावा सूर्य प्रकाश की अवधि कितनी देर तक है, जैसे आप देखते होंगे कि जाड़े में सूर्य की प्रकाश की अवधि कम होती है, सुबह देर से होता है शाम जल्दी हो जाती है, तो जाड़े में सूर्य प्रकाश की अवधि कम मिलती है, गर्मी में सूर्य प्रकाश की अवधि अधिक मिलती है। 5 बजे सुबह हो जाएगा और 7:30 बजे शाम तक सूर्य का प्रकाश हमें मिलता रहता है, है ना। तो सूर्य प्रकाश की अवधि, सूर्य विकिरण की मात्रा में भिन्नता, कभी कभी सूर्य विकिरण की मात्रा अलग अलग हो जाती है, कभी ज़्यादा लपटें उठती हैं कभी कम उठती हैं, सूर्य विकिरण भी अलग अलग होता है। पृथ्वी की सूर्य से दूरी, जैसा कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करती है, इसके चलते पृथ्वी कभी सूर्य से कुछ नज़दीक होती है और कुछ दूर चली जाती है, इस पर अध्ययन करेंगे। इसके अलावा वायुमंडल की पारदर्शकता, वायुमंडल में कोहरा है, बादल है, जलवाष्प अधिक है यानी आर्द्रता अधिक है, इन सब बातों का सूर्यताप की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। तो हम अध्ययन करेंगे कि सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अध्याय का नाम क्या है? अध्याय का नाम है तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। उनमें पहला कारक है सूर्यताप की मात्रा। इन सब बातों का आपको अध्ययन विस्तार से करना पड़ेगा मेरे साथ। सबसे पहले हम लेते हैं आपतन कोण। आपतन कोण के बारे में सबसे पहले लिख दीजिए आप कि सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी तल पर बनाए जाने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, जैसा कि पीछे एक चित्र बना हुआ है।
है ना, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, बीच वाले भाग में देखिए 90 डिग्री को कोण बन रहा है ना, सूर्य की किरणें यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रही हैं, और जब ध्रुवीय क्षेत्रों में किरणें पहुंचती हैं तो बहुत तिरछी हो जा रही हैं, बहुत ज़्यादा तिरछी हो जा रही हैं, है ना। तो ये आपतन कोण है, आपतन कोण यहाँ पर विषुवत रेखा पर क्या है, ज़्यादा है, 90 डिग्री है, और ध्रुवीय क्षेत्रों में कितना है आपतन कोण, 15 से 20 डिग्री हो जाता है ना, कोण देखिए काफ़ी घट गया, यानी आपतन कोण विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक और ध्रुवीय क्षेत्रों में आपतन कोण कम हो जाता है। तो आपतन कोण का प्रभाव कैसे पड़ता है सूर्यातप पर, आमतौर पर जो सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं वो तिरछी किरणों की अपेक्षा अधिक सूर्यातप की मात्रा प्रदान करती हैं। कहने का आशय है, दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि सूर्य की जो तिरछी किरणें होती हैं वो लंबवत किरणों की तुलना में कम सौर ऊर्जा या कम ऊर्जा प्रदान करती हैं। कैसे, इसके दो कारण हैं। लंबवत किरणों की तुलना में तिरछी किरणें अगर सूर्यातप की कम मात्रा प्रदान करती हैं तो इसके दो कारण हैं। पहला कारण, दो कारणों का अध्ययन करेंगे। पहला कारण तो यह है कि लंबवत किरणें, सॉरी तिरछी किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। मान लेते हैं ये पृथ्वी का वायुमंडल की वाह परत यहां तक है, हम मान लेते हैं पृथ्वी के वायुमंडल की वाह परत हम ले लेते हैं। लंबवत विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। लंबवत किरणों को आप देखिए वायुमंडल में कम दूरी तय करनी पड़ती है और तिरछी किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, लंबवत किरणों को केवल इतनी दूरी तय करनी पड़ी यहां से यहां तक, और तिरछी किरणों को यहां से लेकर यहां तक दूरी तय करनी पड़ी। तो तिरछी किरणों को वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, जिसके चलते सौरिक विकिरण का प्रकीर्णन, परावर्तन और विसरण अधिक होता है। वायुमंडल में अधिक दूरी तय करने के कारण वायुमंडल की अलग अलग परतों द्वारा सौरिक विकिरण का परावर्तन, प्रकीर्णन और विसरण अधिक हो जाता है। इससे क्या होता है, सौर ऊर्जा का क्षय होता है। या बचपन से पढ़ते चले आए होंगे कि सौर विकिरण को हवाएं और धूल कण और जलवाष्प मिलकर, या तो जलवाष्प सोख लेता है थोड़ा सा, धूल कण क्या करते हैं सौर किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं, यानी स्कैटर्ड कर देते हैं, उन्हें तितर बितर कर देते हैं, और कुछ धूल कण होते हैं उन्हें परावर्तित करते हैं। सौर विकिरण आता है, परावर्तित होकर धूल कणों से टकरा कर वापस चला जाता है। तो वायुमंडल की विभिन्न परतें, चूंकि तिरछी किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है, इसलिए वायुमंडल की विभिन्न परतों द्वारा सौरिक विकिरण का प्रकीर्णन, परावर्तन और विसरण अधिक हो जाता है। इससे सौर ऊर्जा का क्षय होता है। यही कारण है कि सूर्य की तिरछी किरणों द्वारा कम ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण है कि सूर्य की जो तिरछी किरणें होती हैं वो अधिक विस्तृत धरातल पर फैल जाती हैं। लंबवत किरणें देखिए सीधी आई और एक पॉइंट पर गिर गई, लेकिन जो तिरछी किरणें हैं अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत धरातल पर फैल जाती हैं, इतनी दूरी में फैल गई, आप देख पा रहे हैं। तो अधिक विस्तृत धरातल पर फैल जाने के चलते प्रति इकाई धरातल पर सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त हो पाती, क्योंकि सूर्यातप तो उतना ही है। अगर कम क्षेत्रफल पर गिर रहा है तो सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होगी। अगर उतना ही सूर्यातप, एक ही किरण अगर दूर तक फैल जाएगी तो प्रति इकाई धरातल पर सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त होगी। रिपीट कर दे रहा हूं, तिरछी किरणें अपेक्षा धरातल पर अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत क्षेत्रफल पर फैल जाती हैं, इसलिए प्रति इकाई धरातल पर सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त होती है। अब देखते हैं कि आपतन कोण किन किन बातों से प्रभावित होता है, आपतन कोण पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आपने तुरंत देखा कि आपतन कोण पर अक्षांश रेखा का प्रभाव पड़ रहा है। अगर 0 डिग्री अक्षांश यानी विषुवत है तो आपतन कोण अधिक है, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी उत्तरी ध्रुव है तो आपतन कोण अपेक्षाकृत कम है। यानी आपतन कोण पर पहला प्रभाव किसका पड़ा, अक्षांश का पड़ा। आपतन कोण सूर्य किरणों द्वारा पृथ्वी तल पर बनाया गया कोण यानी आपतन कोण तीन बातों से प्रभावित होता है। पहला अक्षांश, दूसरा महीना और तीसरा दिन का समय।
दिन का समय या अवधि, कि दिन की अवधि कौन सी है, सुबह है या शाम है या दोपहर है, दोपहर है कि शाम है। तो आपतन कोण यानी सूर्य की किरणों द्वारा पृथ्वी तल पर बनाया गया कोण तीन बातों से प्रभावित होता है, अक्षांश, महीना और दिन की अवधि यानी पहर कौन सा है, दोपहर है या शाम वाला पहर है। तो अक्षांश का प्रभाव पड़ता है कैसे, विषुवत रेखी क्षेत्रों में या हम कहें कि विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं। विषुवत रेखा पर वर्ष में दो बार, एक तो 22 मार्च और दूसरे 23 सितंबर। वर्ष में दो बार 22 मार्च को और 23 सितंबर को, वर्ष में दो बार 22 मार्च और हम अक्षांश का प्रभाव पहले अध्ययन कर रहे हैं ना, आपतन कोण पर अक्षांश का प्रभाव, अक्षांश का प्रभाव, आपतन कोण पर तीन बातों का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम अक्षांश के प्रभाव की बात कर लेते हैं। विषुवत रेखा पर वर्ष में दो बार सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, 22 मार्च को और 23 सितंबर को। इसके अलावा वर्ष के अगर अन्य भागों में भी देखें, 22 मार्च और 23 सितंबर के अलावा भी अगर हम देखें, तो विषुवत रेखा पर कभी भी आपतन कोण 66.5% से कम नहीं होता। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ रखा है कि चूंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और साथ में सूर्य का वार्षिक परिक्रमा करती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य की वार्षिक परिक्रमा करती है, इसके चलते जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो विचलन करती हैं। सूर्य की लंबवत किरणें यानी सिर पर पड़ने वाली किरणें, बिल्कुल है ना। क्या ठंडी के दिनों में सूर्य की लंबवत किरणें आपके ऊपर पड़ती हैं? नहीं, आप देखते होंगे कि सूर्योदय होता है और सूर्य की किरणें तिरछी तिरछी निकल जाती हैं, सिर पर धूप कभी नहीं आता जाड़े के दिनों में। लेकिन अगर जून का महीना है तो सूर्य बिल्कुल आपके सिर पर चमकता है और आप परेशान हो जाते हैं, यानी जाड़े में आपतन कोण अलग होगा और गर्मी में अलग होगा। हम जाड़े और गर्मी के बाद में पढ़ेंगे, वो तो महीना के हिसाब से है। कहने का तात्पर्य है कि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि सूर्य की लंबवत किरणें कर्क और मकर रेखाओं के बीच दोलन करती हैं। सूर्य की लंबवत किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर चमकती हैं, 21 जून के बाद फिर 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर आ जाती हैं। यहाँ 23 सितंबर लिखा है, हम बताया ना कि 22 मार्च और 23 सितंबर को लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर चमकती हैं। तो 21 जून को कर्क रेखा पर, फिर लंबवत किरणें खिसक आती हैं दक्षिण की तरफ और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। उसके बाद 23 सितंबर के बाद 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें 22 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ती हैं, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। और जब उसकी लंबवत किरणें कर्क पर पड़ती हैं तो उसे कर्क संक्रांति कहते हैं। 22 दिसंबर के बाद सूर्य की लंबवत किरणें फिर से वापस होती हैं विषुवत रेखा की तरफ और फिर से 23 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं। 23 मार्च के बाद फिर सूर्य उत्तरायण होता है और 21 जून को फिर से कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। ये आपने मुझसे जो विश्व भूगोल में वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारा अध्याय पढ़ा है, मैं उम्मीद करता हूं कि विश्व भूगोल मुझसे सभी लोग पढ़ चुके होंगे, निसंदेह तभी ये बातें कारगर तरीके से समझ में आएंगी। तो सूर्य की लंबवत किरणें जो कि दोलन करती हैं, है ना, कर्क और मकर रेखाओं के बीच, इसके बाहर, कर्क के बाहर ध्रुव की ओर या फिर मकर के बाहर ध्रुव की ओर सूर्य की लंबवत किरणें कभी नहीं जाती, वो केवल कर्क और मकर के बीच में दोलन करती रहती है। या तो उत्तरायण होगा सूर्य या फिर दक्षिणायन होगा। तो वर्ष में दो बार सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है, यानी 90 डिग्री का कोण बना के चमकता है विषुवत रेखा पर दो बार। इसके अलावा वर्ष के अन्य भागों में भी, अगर हम मार्च और सितंबर का महीना छोड़ दें तो वर्ष के अन्य महीनों में भी या अन्य भागों में भी आपतन कोण सूर्य की किरणों द्वारा धरती पर बनाया गया कोण 66 डिग्री से कम नहीं होता है, है ना। इसके चलते वर्ष भर विषुवत रेखी क्षेत्रों में सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर हम कर्क और मकर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को देखें तो पूरे कर्क और मकर रेखा का जितना भी ये पूरा क्षेत्र है, पूरे कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्रों में आपतन कोण कभी भी बहुत तिरछा नहीं होता, यानी सूर्य की किरणें इन क्षेत्रों में कभी भी बहुत तिरछी नहीं होती। ज्यादा तिरछी तब होती हैं जब सूर्य की किरणें कर्क
के बाहर हो या मकर के बाहर हो, कर्क और मकर रेखाओं के बीच के क्षेत्रों में कभी भी सूर्य की किरणें अधिक तिरछी नहीं होती। यानी इन दोनों रेखाओं के बीच किसी भी स्थल पर अगर आप देख लीजिए तो सूर्य की किरणों द्वारा धरातल पर बनाया गया कोण न्यूनतम 47 डिग्री होता है। 47 डिग्री से कम कोण कभी नहीं बनाता है ना। यानी आप देख रहे हैं कि इन दोनों रेखाओं के बीच हमेशा जो कोण बनाया जाएगा सूर्य की किरणों द्वारा वो 45 डिग्री से ज्यादा है ना। हमने बताया ना कि न्यूनतम 47 डिग्री कोण बनाया जाता है। इसके चलते पूरे कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में वर्ष भर सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। इसके चलते ये क्षेत्र गर्म क्षेत्र कहलाते हैं, कर्क और मकर के बीच के क्षेत्र को, इसीलिए हम उष्णकटिबंध क्षेत्र कहते हैं। क्यों उष्णकटिबंध कहते हैं ये समझ में आई होप आ गया होगा। क्यों? क्योंकि आपतन कोण बहुत ज्यादा कम नहीं होता है, आपतन कोण अधिक है, यानी सूर्य की किरणें लगभग लंबवत गिरती हैं इन क्षेत्रों में, इसलिए सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। लंबवत किरणों से क्यों अधिक मात्रा प्राप्त होती है ये पता है ना, पहले ही बता चुका हूं। तिरछी किरणें अधिक विस्तृत धरातल पर फैल जाती हैं जबकि लंबवत किरणें सीमित क्षेत्रफल पर पड़ती हैं, इसलिए अधिक मात्रा प्रदान करती हैं। दूसरे, लंबवत किरणें वायुमंडल में कम दूरी तय करती हैं, है ना। इसके चलते लंबवत किरणों का प्रकीर्णन, परावर्तन और विसरण कम होता है और ज्यादा सौर ऊर्जा धरातल पर पहुंचती है। ये आपने शुरू में ही पढ़ लिया, यहां पर नहीं लिखना है, है ना, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। तो ये तो हो गया कर्क रेखा का प्रभाव, है ना, सॉरी अक्षांश का प्रभाव। अक्षांश के प्रभाव के तहत आपने देखा कि क्यों कर्क और मकर के बीच का तापमान ज्यादा है और इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। जबकि जब हम कर्क और मकर रेखाओं से ध्रुवों की ओर जाते हैं, कर्क या मकर रेखा से जब आप ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जैसे जैसे आप उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे यानी ध्रुवों की ओर जाएंगे, सूर्यातप की सूर्य किरणों का तिरछापन बढ़ता चला जाता है, आपतन कोण घटता चला जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे जैसे हम कर्क और मकर रेखा से ध्रुवी क्षेत्रों की ओर जाते हैं, कर्क और मकर रेखा से ध्रुवी क्षेत्रों की ओर जाने पर जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे तो सूर्य की किरणों का तिरछापन उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे इनका तिरछापन बढ़ता जाएगा सूर्यातप की मात्रा कम होती चली जाएगी। यही कारण है कि कर्क और मकर रेखा से बीच स्थित जो क्षेत्र होते हैं अपेक्षाकृत कर्क मकर से लेकर ध्रुवी क्षेत्रों के बीच के जो क्षेत्र हैं, कर्क मकर से ध्रुवी क्षेत्रों के बीच के जो क्षेत्र हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं, शीतल क्षेत्र होते हैं, है ना। और ध्रुवी क्षेत्रों तक पहुंचते पहुंचते सूर्यातप इतना कम हो जाता है कि ध्रुवी क्षेत्रों पर बर्फ की मोटी मोटी चादरें पाई जाती हैं। ध्रुवी क्षेत्रों में भी सूर्य प्रकाश पहुंचता है लेकिन वो इतना कम होता है कि वहां पर बर्फ को भी नहीं पिघला पाता। ठंडी इतनी ज्यादा होती है कि समुद्र का जल बर्फ में तब्दील हो जाता है। क्लियर, ये तो आपने देखा अक्षांश का प्रभाव। अब हम महीने का प्रभाव देखेंगे। अक्षांश के प्रभाव के बाद महीने का आपतन कोण। आपतन कोण पर तीन बातों का प्रभाव पड़ता है, अक्षांश, महीना और दिन का समय। महीना, हमें इतना तो अनुभव है ही कि शीत ऋतु में सूर्य की किरणें तिरछी होती है, यानी शीत ऋतु में आपतन कोण कम होता है। इसके चलते शीत ऋतु में कम सूर्यातप प्राप्त होता है, सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त होती है। जबकि ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के महीने में सूर्य की किरणें तिरछी नहीं होती बल्कि सूर्य पर लंबवत पड़ती हैं हमारे। इसके चलते गर्मी के दिनों में सूर्यातप अधिक प्राप्त होता है और हमें पसीना होने लगता है ना। तो महीने के हिसाब से भी आपने देखा कि आपतन कोण बदल जाता है। तीसरा, दिन का समय। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आपतन कोण एक जैसा नहीं होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त में, सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय आपतन कोण बहुत कम होता है, न्यून होता है, तिरछी किरणें आती हैं, इससे सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त होती है। लेकिन दोपहर के समय आपतन कोण बहुत ज्यादा होता है ना। आपतन कोण ज्यादा होता है, सूर्य की किरणें लगभग 90 डिग्री के साथ हमारे सिर पर चमकती हैं। 12 बजे अगर दिन कहते हैं ना, दिन के 12 बज गए हैं, 12 बजने का मतलब होता है कि आपतन कोण बहुत अधिक है, यानी सूर्यातप दिन के 12 बजे ज्यादा मिलेगा। तो आपतन कोण पर तीन बातों का प्रभाव पड़ता है, अक्षांश, महीना और दिन की अवधि, है ना। दिन के किस पहर में आप हैं, दोपहर में आपतन कोण अधिक होगा और शाम को आपतन कोण कम होगा, उसी हिसाब से तापमान भी बदल जाता है। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे सूर्य प्रकाश की अवधि।
सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने वाला जो दूसरा कारण, पहला तो था आपतन कोण, जिसके बारे में आपने विस्तार से पढ़ा है ना। आपतन कोण सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित कर रहा है, आपतन कोण आपने पढ़ा भी। अब सूर्य तप की मात्रा को प्रभावित करने वाला जो दूसरा महत्वपूर्ण कारक है वो है सूर्य प्रकाश की अवधि। सूर्य का प्रकाश कितने देर तक है? अच्छा, सूर्य का प्रकाश जब रहता है तो उसे हम दिन कहते हैं, सूर्य का प्रकाश नहीं रहता है तो उसे हम रात कहते हैं। तो सूर्य प्रकाश की अवधि से तात्पर्य दिन से है। सूर्य प्रकाश की अवधि कम हो रही है मतलब दिन छोटा हो रहा है, सूर्य प्रकाश की अवधि ज्यादा है मतलब दिन बड़ा हो रहा है। तो यहां सूर्य प्रकाश की अवधि से तात्पर्य है कि दिन कितने लंबे हैं। तो दिन लंबा होगा या छोटा होगा उसका सूर्यातप पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं। दिन छोटा होगा कम सूर्यातप प्राप्त होगा, दिन लंबा होगा ज्यादा सूर्यातप प्राप्त होगा। यानी सूर्य प्रकाश की अवधि लंबी है ज्यादा सूर्यातप प्राप्त होगा, सूर्य प्रकाश की अवधि छोटी है कम सूर्यातप प्राप्त होगा। तो हम इसका अध्ययन करेंगे कि सूर्य प्रकाश की अवधि का सूर्यातप की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दूसरा है सूर्य प्रकाश की अवधि। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, सूर्य प्रकाश की अवधि है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, इसके चलते पृथ्वी गोल है। पहले तो क्रम से समझ लीजिए, पृथ्वी गोल है। किसी गोल वस्तु यानी फुटबॉल पर आप टार से जलाते हैं तो आधा फुटबॉल प्रकाशित होता है और आधा अंधेरे में रहता है ना। यानी आधे भाग में दिन और आधे भाग में रात, ऐसा ही पृथ्वी के साथ भी होता है। तो पृथ्वी गोल है और अपने स्थान पर घूम रही है, गोल गोल चक्कर लगा रही है अपनी धुरी पर। इसके चलते जो पृथ्वी 12 घंटे में एक चक्कर लगाती है अपनी धुरी, सॉरी 24 घंटे में अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। स्वाभाविक सी बात है कि 12 घंटे में उजाला होता है, सॉरी पृथ्वी की 50% भाग में उजाला होता है और 50% भाग में अंधेरा होता है। इसका मतलब 360 डिग्री पृथ्वी कितने घूमती है? 24 घंटे में घूमती है। इसका मतलब हमेशा 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। क्लियर? तो पृथ्वी चूंकि गोल है और अपने स्थान पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, इसलिए पृथ्वी पर दिन और रात होता है। यह तो स्वाभाविक सी बात है। सवाल यह उठता है कि क्या पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है? क्या 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात पूरी पृथ्वी पर पाया जाता है? क्लियर? तो इसका जवाब है नहीं, पूरी पृथ्वी पर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात नहीं पाई जाती है। 22 मार्च और 23 सितंबर 22 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। 22 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। विषुवत रेखा पृथ्वी का बीच वाला लाइन है। विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है ना। आप देख रहे हैं कि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसलिए जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो पूरी धरती पर 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात पाई जाती है। हमने कहा कि जब सूर्य 22 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की लंबाई बराबर पाई जाती है। लेकिन जब सूर्य कर्क या मकर रेखा पर चमकता है तो पूरे पृथ्वी पर दिन या रात की लंबाई बराबर नहीं पाई जाती। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में छोटे हो जाते हैं, और जब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा हो जाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव और सूर्य के चारों तरफ वार्षिक परिक्रमण, इन सबके चलते, इन दोनों कारणों के चलते, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं दिन और रात की लंबाई में अंतर बढ़ता जाता है। क्योंकि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, सूर्य हमेशा विषुवत रेखा पर ही नहीं चमकता है। सूर्य केवल दो बार 22 मार्च को और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर चमकता है। इन दोनों डेट के अलावा वर्ष के अन्य भागों में सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरायण और दक्षिणायन होती रहती हैं। सूर्य की लंबवत किरणें उत्तरायण और दक्षिणायन क्यों होती हैं? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है,
कैसे उत्तरी ध्रुव देखिए यहां है और दक्षिणी ध्रुव यहां है, ऐसे ऐसे नहीं है। ये लाइन तो सूर्य के प्रकाश की है, ये लाइन पृथ्वी सूर्य के सामने नहीं है बल्कि थोड़ी सी झुकी हुई है, ऐसे ये विषुवत रेखा है। आप देखिए नीचे की ओर झुका हुआ है, उसी तरह यहां भी देखिए विषुवत रेखा ऐसे आया और नीचे की तरफ झुका हुआ है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव यानी पृथ्वी के दोनों ध्रुव ऐसे ना होकर थोड़े से ऐसे हैं, झुके हुए हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, थोड़ा सा ऐसे झुका हुआ है। इसके चलते ये झुकी हुई पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है ना, तो सूर्य की लंबवत किरणें विचलन करती हैं। आप स्वयं देखिए इस स्थिति को ध्यान से देखिए, सूर्य की लंबवत किरणें कहां पड़ रही हैं? ये कौन सी लाइन है? ये मकर रेखा है, कैप्रिकॉर्न, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड लाइन ऑफ कैंसर। इस स्थिति को ध्यान से आप देखिए तो लंबवत किरणें मकर रेखा पर चमक रही हैं। इस स्थिति को ध्यान से देखिए, लंबवत किरणें कर्क रेखा पर चमक रही हैं। क्या आप ध्यान से इन दोनों चित्रों को देखकर समझ पा रहे हैं? आप ध्यान से दोनों को देखिए, इस स्थिति में लंबवत किरणें मकर कर्क रेखा पर हैं, ये देखिए कर्क रेखा पर, और इस स्थिति में लंबवत किरणें मकर रेखा पर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है और सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करती है। इसका मतलब है कि अभी तो लंबवत किरणें यहां पर हैं, यहां तक आने में कितना समय लगेगा? 6 महीने, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में घूमती है? कितने दिन घूमती है? 365 दिन में, यानी ये इतना भाग कवर करती है 6 महीने में, आधा, और फिर यहां से यहां आने में कितना लगाई? 6 महीने में। यहां से यहां तक पृथ्वी को आने में 6 महीने लगे और यहां से यहां तक आने में पृथ्वी को फिर से 6 महीने लगे। तो 22 दिसंबर लिखा हुआ है, 22 दिसंबर को सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर चमकती हैं। 22 दिसंबर के बाद सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होने लगता है, यानी लंबवत किरणें उत्तर की ओर खिसकने लगती हैं। 22 दिसंबर के बाद मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर के बाद 22 मार्च को, 22 मार्च को सूर्य की लंबवत किरणें चली आती हैं विषुवत पर। 22 मार्च के बाद 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें चली आती हैं कर्क पर, और जब सूर्य की लंबवत किरणें कर्क पर चली आती हैं तो इसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। लंबवत किरणें जब मकर रेखा पर होती हैं तो इसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। क्लियर? तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और सूर्य की चारों तरफ परिक्रमा करने के चलते सूर्य की लंबवत किरणें कर्क और मकर रेखा क्षेत्रों के बीच दोलन करती रहती हैं। सूर्य जब उत्तरायण होता है, सूर्य जब उत्तरायण होता है ना, अभी देखिए कर्क रेखा पर चमक रही है तो अभी हम क्या कहेंगे, सूर्य क्या है? उत्तरायण है। सूर्य जब उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े हो जाते हैं, दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। आप साफ तौर पर देख भी पा रहे हैं, अभी सूर्य उत्तरायण है, कर्क संक्रांति है, लंबवत किरणें कर्क रेखा पर चमक रही हैं। यहां पर आप देखिए उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे हैं, प्रकाश पूर्वी भागों पर ज्यादा पड़ रहा है और पश्चिमी भागों पर देखिए कम पड़ रहा है, ये इतना ही है और ये ज्यादा है ना। तो जब सूर्य उत्तरायण होता है तो उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं, और सूर्य जब दक्षिणायन होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं। बाईस दिसंबर से लेकर 21 जून तक, 22 दिसंबर के बाद से सूर्य की लंबवत किरणें धीरे धीरे उत्तरायण होने लगती हैं। क्लियर? तो 22 दिसंबर से लेकर, यहां 22 दिसंबर लिखा है और यहां कितना लिखा है, 21 जून तक कर्क पर आ गई, मकर से कर्क पर आ गई। तो 22 दिसंबर से लेकर 21 जून तक, कहने का तात्पर्य है कि मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति तक उत्तरी गोलार्ध में दिन
22 दिसंबर से लेकर 21 जून तक उत्तरी गोलार्ध में दिन क्रमशः बड़े होते जाते हैं। और रातें क्रमशः छोटी होती जाती हैं। क्लियर? 22 दिसंबर से लेकर 21 जून तक। इसके बाद 21 जून से लेकर 22 दिसंबर तक। अब 21 जून के बाद जाइए 22 जून, 23 जून, जुलाई का महीना आ गया, सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा से लौटने लगी। 21 जून के बाद जाएंगे सूर्य की लंबवत किरणें लौटते लौटते विषुवत पर आ जाएंगी। विषुवत रेखा पर कब आएंगी? 23 सितंबर को। 23 सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर पार करिए, 22 दिसंबर को लंबवत किरणें फिर से आ जाएंगी। 22 दिसंबर को आ जाएंगी कहां पे? मकर रेखा पर। तो 21 जून से लेकर 22 दिसंबर तक दक्षिणी गोलार्ध में, 21 जून से लेकर 22 दिसंबर तक दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्रमशः बड़े होते जाते हैं और रातें क्रमशः छोटी होती जाती हैं। दिन क्रमशः लंबे होते जाते हैं और रातें क्रमशः छोटी होती जाती हैं। 21 जून को क्या हाल रहता है? 21 जून को देखिए, 21 जून को कर्क रेखा पर जब सूर्य की लंबवत किरणें पड़ रही हैं, इसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन होता है। ये देखिए, ये उत्तरी ध्रुव है, ये पॉइंट जो बनाया है मैंने एनपी लिखा हुआ है, नॉर्थ पोल, क्योंकि नॉर्थ पोल 21 जून को सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ऐसे सूर्य के सामने ऐसे झुका हुआ है। तो 24 घंटे में पृथ्वी हालांकि घूम जाती है, तो पृथ्वी के घूमने का प्रभाव बीच के क्षेत्रों में ज़्यादा पड़ता है, अवस्थिति बदल जाती है। अगर यहाँ है तो 12 घंटे बाद आप यहाँ पे होंगे, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। लेकिन उत्तरी ध्रुव चूंकि एक पॉइंट के रूप में है, तो उत्तरी ध्रुव पर स्थानों की अवस्थिति चेंज नहीं होती। पृथ्वी अपने स्थान पर घूम तो रही है, लेकिन बीच वाले स्थल तो अपनी अवस्थिति बदल देंगे, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। लेकिन जो ऊपर उत्तरी ध्रुव वाला क्षेत्र है, ये अपनी अवस्थिति नहीं चेंज करता, क्योंकि वो एक पॉइंट के रूप में है। तो पृथ्वी के घूमने से यहाँ पर रात नहीं हो पाती, यहाँ पर 24 घंटे का दिन होता है, क्योंकि सूर्य की ये जो तिरछी किरणें हैं, ये भले ही तिरछी हैं, लेकिन लगातार उत्तरी ध्रुव पर पड़ती हैं। तो कर्क संक्रांति को यानी 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन और दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे की रात। आप देखिए, सूर्य की किरण पृथ्वी चूंकि गोल है, तो पृथ्वी की सतह से होते हुए बाहर अंतरिक्ष में चली गई, लेकिन दक्षिणी ध्रुव उसके जद में नहीं आया, मतलब ओट में रह गया, आड़ में रह गया। दक्षिणी ध्रुव को आप देख रहे हैं, सूर्य की प्रकाश के आड़ में है, यानी रात में है ये इस समय। तो 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन और दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे की रात होती है। इसी तरह से 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन है ना, ये देखिए दक्षिणी ध्रुव से होकर गुजर रही है, और 22 दिसंबर को उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे की रात होती है। यहां पर ये आड़ में आ गया, ओट में रह गया है ना, और ये सामने आ गया। यानी 21 जून को उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन और 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव पर 24 घंटे का दिन। क्लियर? इसलिए आप कुल मिला जुला के अगर यहां पे देखेंगे, टोटल निष्कर्ष निकालेंगे, तो विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर 6 महीने दिन लंबे होते जाते हैं और बाकी 6 महीने रातें लंबी होती जाती हैं। विषुवत से ध्रुव की ओर जाने पर 6 महीने दिन लंबे होते जाते हैं और बाकी 6 महीने रातें लंबी होती जाती हैं। आप कर्क के उत्तर के क्षेत्र को दोनों में देखिए, विषुवत से ध्रुव की ओर जाने पर 6 महीने दिन लंबे होते जाते हैं और बाकी 6 महीने रातें लंबी होती जाती हैं। और साथ ही विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन भी बढ़ता चला जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर सूर्य की किरणों का तिरछापन भी बढ़ता चला जाता है। इन सभी के सम्मिलित प्रभाव से विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है और ध्रुवीय क्षेत्रों में सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त होती है।
फिर से बता दें क्यों, रिपीट कर दें निष्कर्ष के रूप में, चूंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर दिन और रात की लंबाई का अंतर बढ़ता चला जाता है, कभी दिन लंबे होते हैं कभी दिन छोटे हो जाते हैं, इसलिए वहां पर सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या विषुवत रेखीय क्षेत्रों में दिन और रात की अवधि में अंतर कम होता है, दिन और रात की अवधि उनकी लंबाई में अंतर कम होता है, दिन और रात की अवधि लगभग बराबर होती है और साथ ही सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं। विषुवत रेखीय क्षेत्रों की बात कर रहा हूँ, एक तो किरणें लंबवत पड़ती हैं, दूसरे दिन और रात की लंबाई में बहुत अंतर नहीं होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से विषुवत रेखीय क्षेत्रों में सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है और कर्क और मकर रेखाओं के बाहर के क्षेत्रों में सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त होती है। सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों में जहाँ मैंने हेडिंग डाला था सूर्यातप के प्रभावित करने वाले कारकों में, तीसरा कारक हम देखेंगे सौर विकिरण की मात्रा में भिन्नता। सौर विकिरण की मात्रा में भिन्नता का मतलब सूर्य के सतह से है, सौर विकिरण की मात्रा में भिन्नता तभी आएगी जब सूर्य के सतह पर कुछ डिस्टर्बेंस होगा, है ना। सूर्य के सतह को हम क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर या कोरोना कहते हैं, क्लियर। तो कोरोना या फोटोस्फीयर पर कुछ डिस्टर्बेंस होता है तो सौर विकिरण की मात्रा में भिन्नता आती है। सवाल है कि वो कैसा डिस्टर्बेंस होता है, कभी कभी सूर्य की सतह पर, हम यही समझा दे रहे हैं, इसमें चित्र नहीं बनाना है, आप पढ़ रहे हैं सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारक में तीसरा कारण सौर विकिरण की मात्रा में भिन्नता। तो सौर विकिरण की मात्रा में भिन्नता आ जाने से भी पृथ्वी तल पर सूर्यातप की मात्रा प्रभावित होती है, कैसे, कभी कभी सूर्य की सतह यानी फोटोस्फीयर में सौर आंधियां उठती हैं, है ना, तूफान उठते हैं, रेडिएशन का तूफान होता है, तो जब सौर आंधियां उठती हैं तो वहां पर सूर्य का रंग बहुत गहरा हो जाता है, तो उसे हम सोलर स्पॉट कहते हैं, सौर कलंक कहते हैं, क्या कहते हैं, सोलर स्पॉट या सौर कलंक। तो सूर्य की सतह पर जहां पर आंधियां उठती हैं वहां पर सूर्य का रंग, सतह का रंग थोड़ा डार्क हो जाता है, जिसे हम सौर धब्बा कहते हैं या सौर कलंक कहते हैं, सोलर स्पॉट भी कहते हैं। तो जब सौर आंधियां उठती हैं तो सौर कलंक बनते हैं सूर्य की सतह पर। अध्ययन से पाया गया है कि जब सूर्य की सतह पर सौर कलंक यानी सौर धब्बों की संख्या बढ़ती है, तो उससे रेडिएशन अधिक होता है, सौर विकिरण की मात्रा और तीव्रता उस समय काफी बढ़ जाती है। जब सौर धब्बों की संख्या बढ़ती है तो सौर विकिरण की मात्रा और तीव्रता काफी बढ़ जाती है, और जब सौर कलंक यानी सौर धब्बों की मात्रा में कमी आती है तो सूर्य की सतह से होने वाला विकिरण अपेक्षाकृत कम होता है, यानी सूर्य की सतह से कम ऊर्जा निकलती है बाहर की ओर, है ना, जब सौर धब्बों में कमी आती है। लेकिन सूर्य की सतह पर सौर धब्बों के बनने और बिगड़ने का एक चक्र होता है जो कि 11 वर्षीय होता है, 11 वर्ष में ये सौर धब्बे बनते हैं और समाप्त होते हैं, इसे 11 वर्षीय चक्र कहते हैं, इसे हम सौर कलंक चक्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सौर कलंक चक्र, जो कि 11 वर्ष का होता है। लेकिन सौर कलंक चक्र के चलते सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण में जो अंतर आता है वो ज़्यादा नहीं होता है, सौर धब्बों के चलते सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण में जो परिवर्तन आता है वो अधिकतम 7% होता है। तो चूंकि उससे सौर विकिरण की मात्रा में जो भिन्नता आती है वो केवल 7% होती है, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना संभव नहीं है, है ना, स्पष्ट रूप से हम नहीं कह सकते कि इस 7% विकिरण में जो अंतर आ रहा है उसके चलते पृथ्वी के तापमान और जलवायु में क्या परिवर्तन आता है, अभी इसका अध्ययन नहीं किया जा सकता है। लेकिन हो सकता है कि सौर आंधियां जब उठती हो तो उससे पृथ्वी पर सूर्यातप की मात्रा प्रभावित होती हो, लेकिन कितनी प्रभावित होती है ये नहीं पता है। सूर्यातप को प्रभावित करने वाला अगला कारक है पृथ्वी की सूर्य से दूरी। चूंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करती है, अंडाकार कक्षा में परिक्रमा करती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से पृथ्वी सूर्य से कभी बहुत दूर चली जाती है और कभी सूर्य के बहुत पास आ जाती है। आमतौर पर 1 जुलाई को पृथ्वी की स्थिति सूर्य से काफी दूर होती है, यानी 1 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है, इस स्थिति को हम अपसौरिका कहते हैं, जबकि 1 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के अपेक्षाकृत सूर्य से सबसे अधिक निकट होती है, कब होती है, 1 जनवरी को, इस स्थिति को हम अपसौरिका कहते हैं। साधारण तौर पर इससे हमें यह संकेत मिलता है कि 1 जनवरी को सूर्यातप अधिक प्राप्त होना चाहिए, है ना,
इससे तो ही संकेत मिलता है कि 1 जनवरी को यानी अपसौरिका की स्थिति में जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो पृथ्वी पर सौर ऊर्जा की अधिक मात्रा प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन जब हम उत्तरी गोलार्ध को देखते हैं पृथ्वी के, तो 1 जनवरी को क्या होता है, 1 जनवरी को यहां पर उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पाई जाती है। 1 जनवरी को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है भाई, 1 जनवरी को जब हम हैप्पी न्यू ईयर वगैरह विश करते हैं तो उस समय ठंडी पड़ती है कि नहीं पड़ती है, तो ये कैसे संभव है? 1 जनवरी को जब अपसौरिका है और पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है तो यहां पर शीत ऋतु क्यों पाई जाती है? वास्तव में पृथ्वी को ऊर्जा प्रदान करने में पृथ्वी से सूर्य से दूरी या निकटता उतना बड़ी भूमिका नहीं निभाती है। किसी भी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी या ग्रीष्म ऋतु होगा ये सूर्य से पृथ्वी की दूरी नहीं निर्धारित करती है, यानी शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु सूर्य से पृथ्वी की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ये बात अवश्य है कि पृथ्वी अगर 1 जनवरी को सूर्य के काफी नजदीक है तो विकिरण अधिक प्राप्त होता होगा। निश्चित रूप से इस समय जो पृथ्वी का वाह्य धरातल है, सॉरी वायुमंडल की जो वाह्य सतह है, वायुमंडल की वाह्य सतह पर निश्चित रूप से इस समय ज्यादा विकिरण प्राप्त होगा। लेकिन कुछ और कारक हैं, जैसे आपतन कोण, और दूसरा सूर्य प्रकाश की अवधि, एक जनवरी को सूर्य दक्षिणायन रहता है जिसके चलते उत्तरी गोलार्ध में आपतन कोण कम पाया जाता है। सूर्य दक्षिणायन रहता है जनवरी के महीने में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में आपतन कोण कम होता है, यानी सूर्य की किरणें काफी तिरछी गिरती हैं उत्तरी गोलार्ध पे। और साथ ही सूर्य की किरणें जब उत्तरी गोलार्ध में जनवरी के महीने में तिरछी गिरती हैं तो दिन की अवधि भी छोटी हो जाती है, सूर्य की प्रकाश की अवधि कम हो जाती है। जैसा कि जाड़े के दिनों में देखा होगा 8 बजे सुबह होगा और शाम को 5 बजे अंधेरा हो जाता है ना। तो जाड़े के दिनों में जनवरी के महीने में क्या होता है, एक तो सूर्य की किरणों का तिरछापन ज्यादा होता है, सूर्य की किरणें अधिक तिरछी होती हैं, दूसरे दिन की अवधि यानी सूर्य प्रकाश की अवधि भी काफी कम हो जाती है, इसके चलते उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु पाई जाती है। सूर्यातप को प्रभावित करने वाले कारकों में अगला कारक जो आपने यहाँ पे लिखा था, मैंने लिखा था और आपने देखा था, वो है वायुमंडल की पारदर्शकता। वायुमंडल की पारदर्शकता का सूर्यातप की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, वायुमंडल पारदर्शी है या नहीं इस पर डिपेंड करेगा। वायुमंडल में धूल कण है, बादल है, जल वाष्प है जिसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं, है ना, वहां पे ह्यूमिड भी है, तो वायुमंडल की पारदर्शकता भी सूर्यातप की मात्रा को प्रभावित करती है। अगर किसी स्थान पर वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा अधिक है यानी जलवाष्प अधिक है तो जलवाष्प क्या कर देता है, सौरिक विकिरण का अवशोषण अधिक करता है। जलवाष्प अगर किसी स्थान पर, मान लेते हैं विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अगर किसी स्थान पर जलवाष्प अधिक है तो जलवाष्प सौरिक विकिरण का अवशोषण अधिक कर लेता है, इससे धरातल पर सूर्यातप की मात्रा कम हो सकती है। इसके अलावा अगर वायुमंडल में बादल है तो बादल सौरिक विकिरण को अवशोषित नहीं करता बल्कि पूरा का पूरा परावर्तित कर देता है, बादल सौरिक विकिरण को परावर्तित कर देता है ना, इससे भी धरातल पर सौरिक विकिरण कम आएगा, सूर्यातप की कम मात्रा प्राप्त होगी। इसके अलावा अगर कहीं वायुमंडल में धूल कण ज्यादा है, तो धूल के जो कण होते हैं सौरिक विकिरण का प्रकीर्णन कर देते हैं, उसे स्कैटर्ड कर देते हैं, तितर बितर कर देते हैं, जिससे सौरिक ऊर्जा का क्षय हो जाता है ना। तो वायुमंडल की पारदर्शकता यानी वायुमंडल की स्वच्छता, कितना स्वच्छ है वायुमंडल, तो वायुमंडल की स्वच्छता का भी सूर्यातप की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। हम पढ़ रहे हैं धरातल पर तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, इनमें से अभी तक पहला कारक पढ़ा आपने सूर्यातप की मात्रा, अब हम पढ़ेंगे ऊंचाई। ऊंचाई का धरातल पर तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, दूसरा प्रभावित करने वाला कारक ऊंचाई है। हम आमतौर पर हम सभी जानते हैं कि विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अधिक सूर्यातप यानी निम्न अक्षांशों में, इसे हम क्या कहते हैं, निम्न अक्षांश कहते हैं।
यहाँ पर विषुवत रेखीय क्षेत्र यानी निम्न अक्षांशों में सूर्यातप की अधिक मात्रा प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत रेखीय क्षेत्र गर्म माने जाते हैं। लेकिन वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। यह क्या है? धरातल है। और ये क्या है? क्षोभ मंडल सीमा। ऊपर जाने पर है क्षोभ मंडल सीमा। औसतन 14 किलोमीटर की ऊंचाई ले लेते हैं। तो ऊपर जाने पर तापमान में गिरावट आती है, 30 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल, इसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल का सामान्य ताप ह्रास दर। वायुमंडल में सामान्य ताप ह्रास दर कितना है? वायुमंडल का सामान्य ताप ह्रास दर है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, यानी प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में जब आप ऊपर जाते हैं तो प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। इससे ऊपर जाने पर तापमान लगातार गिरता चला जाता है, भले ही आप विषुवत रेखा पर ही क्यों नहीं। अगर आप विषुवत रेखा पर भी ताप वायुमंडल में ऊपर जाएंगे तो भले ही विषुवत रेखा पर अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, इसलिए इसे उष्णकटिबंध कहते हैं, कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को। लेकिन यहाँ अगर आप ऊपर चले जाएंगे, है ना, मान लेते हैं आप 1 किलोमीटर ऊपर चले गए तो तापमान में 6.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आएगी। कई किलोमीटर ऊपर चले गए, 10-12 किलोमीटर ऊपर चले गए तो मौसम एकदम बर्फीला हो जाएगा वहां पे। क्लियर? तो ऊंचाई भी सूर्यातप को, सॉरी, धरातल पर तापमान वितरण को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख कारण है। उदाहरण के लिए, आमतौर पर निम्न अक्षांश उष्णकटिबंध के अंतर्गत आते हैं क्योंकि निम्न अक्षांशों में अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, है ना, यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर निम्न अक्षांशीय क्षेत्र पर अगर कोई पर्वत है, जैसे यहाँ पे कौन सा पर्वत है, यहाँ पे निम्न अक्षांश यानी विषुवत रेखा पर यदि कोई पर्वत है, मान लेते हैं माउंट केन्या, माउंट केन्या अफ्रीका में विषुवत रेखा पर स्थित है, तो विषुवत रेखा पर अगर कोई पर्वत है तो उसके शिखर, उसका शिखर जो है हिमाच्छादित हो सकता है। विषुवत रेखा पर होने के बावजूद माउंट केन्या का जो ऊपरी शिखर है वो वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, इसके बावजूद को विषुवत रेखा पर है। तो आप बताइए, तापमान पर ऊंचाई का प्रभाव पड़ा ना, विषुवत अक्षांश का प्रभाव तो है ही, कि निम्न अक्षांश है या उच्च अक्षांश है, निम्न अक्षांश अधिक तापमान, उच्च अक्षांश कम तापमान, लेकिन ऊंचाई भी अपना प्रभाव डाल रही है। आप विषुवत रेखा पर भी अगर ऊपर चले जाएंगे तो हिमाच्छादित पर्वत पा सकते हैं वहां पे, है ना। महाद्वीपी और महासागरी प्रभाव दो पढ़ लिया, अब तीसरा हम देख रहे हैं महाद्वीपी और महासागरी प्रभाव। जल होता है वो शीघ्र गर्म नहीं होता है, उसको गर्म होने के लिए समय चाहिए होता है, है ना, उसे गुप्त ऊष्मा की जरूरत होती है ना, वो गुप्त ऊष्मा को इकट्ठा करता रहता है, इसलिए जल जो है देर से गर्म होता है, जबकि चट्टानें हैं तुरंत गर्म हो जाती हैं और तुरंत ठंडी हो जाती हैं। तो इस प्रभाव के चलते जो महाद्वीपीय क्षेत्र हैं देर से गर्म होंगे, देर से ठंडे होंगे, और जो महासागरीय क्षेत्र हैं, महासागर देर, सॉरी जल नहीं मैंने गलत बोल दिया, महाद्वीपीय क्षेत्र इस प्रभाव के चलते जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी ठंडे हो जाते हैं, जबकि महासागरीय क्षेत्र देर से गर्म होगा और देर से ठंडा होगा। इस प्रभाव के चलते धरातल पर तापमान वितरण इस पर भी निर्भर करता है कि संबंधित क्षेत्र महाद्वीप है या महासागर है। एक ही अक्षांश रेखा पर मान लेते हैं यह है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एक ही अक्षांश रेखा पर सर्वत्र तापमान एक समान नहीं रहेगा। 40 डिग्री अक्षांश पर अगर कहीं स्थलखंड है तो वो महासागर की तुलना में अधिक गर्म होगा, है ना। अगर यहां पर ग्रीष्म ऋतु है, उत्तरी गोलार्ध में अगर कौन सी ऋतु है, अगर उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है तो उत्तरी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर स्थित महासागर और महाद्वीप का तापमान एक समान नहीं होगा। हमने बताया कि चूंकि महाद्वीप जल्दी गर्म हो जाते हैं
और अधिक मात्रा में गर्म होते हैं, इसलिए महाद्वीपीय क्षेत्र गर्म होगा जबकि महासागरीय क्षेत्र उसकी तुलना में ठंडा होगा, जबकि ये दोनों 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर ही स्थित हैं। इसे हम महाद्वीपीय या महासागरीय प्रभाव कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं गर्म भी हो सकती हैं, ठंडी भी हो सकती हैं। जो धाराएं ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होती हैं उन्हें हम गर्म जलधारा कहते हैं, और जो महासागरीय धारा विषुवत से ध्रुव की ओर जाती है, महासागरीय धाराएं गर्म भी हो सकती हैं और ठंडी भी हो सकती हैं। जो जलधाराएं जैसे बेंगुएला धारा अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित हो रही है, बेंगुएला धारा इधर क्या है, साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव, और इधर क्या है, नॉर्थ पोल उत्तरी ध्रुव। बेंगुएला धारा ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखीय क्षेत्रों में जा रही है, तो ये क्या कर रही है, ध्रुवीय क्षेत्रों का पानी क्या होता है, ठंडा होता है, और उष्ण क्षेत्र का पानी क्या होता है, गर्म होता है। ये गर्म पानी है इधर और इधर ठंडा पानी है, तो बेंगुएला धारा ध्रुवीय क्षेत्र के ठंडे पानी को लेकर प्रवाहित हो रही है और गर्म जल क्षेत्र के बीचों बीच घुस जा रही है, गर्म जल क्षेत्र के बीचों बीच अपना ठंडा पानी लेकर पहुंच रही है ना। तो ठंडी जलधारा क्यों है, क्योंकि ये ध्रुव से विषुवत की ओर जा रही है। और अगर कोई जलधारा उसी तरफ कैलिफोर्निया देखिए, कैलिफोर्निया भी ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत की ओर जा रही है, तो क्या होगी, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्र के ठंडे जल को प्रवाहित कर रही है विषुवत की तरफ, तो यहाँ पे ठंडा पानी आ गया, तो कैलिफोर्निया क्या है, ठंडी धारा होगी। लेकिन यदि कोई जलधारा विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की ओर जा रही है तो वो गर्म जलधारा होगी, क्योंकि वो विषुवत रेखीय गर्म जल को कहाँ पहुंचा रही है, ध्रुवीय ठंडे क्षेत्रों में पहुंचा रही है, गर्म जल को ध्रुवीय ठंडे क्षेत्रों में पहुंचा रही है, इसलिए इसे हम गर्म जलधारा कहते हैं। गर्म जलधाराएं गर्म जल को ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंचा देती हैं, ठंडी जलधाराएं ठंडे जल को विषुवत रेखीय क्षेत्रों में पहुंचा देती हैं। तो गर्म और ठंडी जलधाराएं भी धरातल पर तापमान वितरण को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए गर्म जलधाराएं जिन क्षेत्रों में जाती हैं, यदि गर्म जलधाराएं विषुवत रेखीय क्षेत्रों से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर पहुंचती हैं तो ये ध्रुवीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती हैं। समुद्र में यदि कोई हिमखंड तैर रहा है तो उसे पिघला देती हैं। गर्म जलधाराओं में आर्द्रता होती है, गर्म जलधाराओं में क्या होगा, सॉरी वाष्पीकरण होगा। अगर जलधारा गर्म है तो हमने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर सूर्यातप की मात्रा अधिक है, तो साल भर विषुवत रेखीय समुद्रों में वाष्पीकरण होता रहता है। तो जब यही गर्म पानी पहुंच गया नॉर्वे के पास तो वहां पे भी वाष्पीकरण होने लगता है। गर्म जलधारा है, गर्म पानी में वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण होगा तो वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ेगी, यही हवा जब ऊपर उठेगी तो बारिश होगी। यही कारण है कि गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म जलधारा है जब उत्तरी अटलांटिक महासागर को पार करके पूर्वी महासागर में नॉर्वे तट के पास पहुंचती है तो कभी कभी वहां पर बारिश भी हो जाती है, जबकि नॉर्वे पूरी तरह से ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है, वहां पर बारिश नहीं होनी चाहिए। तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के चलते यहाँ का तापमान भी बढ़ जाता है और बारिश भी हो जाती है। इसके अलावा चूंकि ये ध्रुवीय क्षेत्र है नॉर्वे, यहाँ पर बंदरगाह नहीं पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पर बंदरगाह इसलिए नहीं पाए जाएंगे क्योंकि समुद्र जमा हुआ होता है, ठोस होता है, वहां पर बंदरगाह कैसे मिलेगा। और अगर तो यहाँ पर रूस यहाँ तक चला आया है, ये पूरा रूस है, रूस पे यहाँ पे कोला प्रायद्वीप है, एक रूस का एक छोटा सा प्रायद्वीप है यहाँ पे, उसे कोला प्रायद्वीप कहते हैं, कोला प्रायद्वीप। रूस के कोला प्रायद्वीप पे एक बंदरगाह है, उसका नाम है मुर्मुस्क। मुर्मुस्क बंदरगाह ध्रुवीय क्षेत्रों में खुला रहता है, वहां पर बंदरगाह की स्थापना तो होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन चूंकि गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा के चलते यहां पर समुद्र खुला रहता है, बर्फ नहीं जम पाता है, इसलिए जहाजों का आवागमन मुर्मुस्क बंदरगाह तक संभव हो पाता है। इसी तरह से ठंडी जलधाराएं विषुवत रेखीय क्षेत्रों में तापमान को गिरा देती हैं। बेंगुएला की धारा जब अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में होने के बावजूद पश्चिमी तट के तापमान को थोड़ा गिरा देती है, कम कर देती है। इसी तरह से कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा जब मैक्सिको के आसपास पहुंचती है तो तापमान को गिरा देती है, जबकि मैक्सिको विषुवत रेखीय क्षेत्र के आसपास है। तो महासागरीय धाराएं भी धरातल पर तापमान वितरण को प्रभावित करते हैं। इसके बाद हम प्रचलित पौने, धरातल पर तापमान वितरण को प्रचलित पौने भी प्रभावित करती हैं। इसको
कैसे? हालांकि प्रचलित पवने एक अलग अध्याय है, इन्हें हम ग्रहीय पवने कहते हैं, प्रचलित पवने या ग्रही पवने, है ना, इनका हम अलग से अध्ययन करेंगे, ये पूरा अध्याय है। वास्तव में पवनों का काम ही है अधिक तापमान को ठंडे क्षेत्रों में ले जाना और ठंडे क्षेत्रों के कम तापमान को गर्म क्षेत्रों में ले आना। धरातल पर हवाएं क्यों चलती हैं? धरातल पर हवाओं के चलने का एक उद्देश्य है, धरातल पर हवाओं के चलने का उद्देश्य है विषुवत रेखीय क्षेत्रों और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच तापमान को संतुलित करना। गलत हो गया, बता रहा हूं, एक मिनट। प्रचलित पवने तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में प्रचलित पवने भी हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये हम देख लेते हैं, इधर है साउथ पोल और इधर है नॉर्थ पोल, ये बीच का क्षेत्र मान लेते हैं विषुवत रेखा, हम धरातल देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा मत देखिए, ये अलग चीज है, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंच जाती हैं, क्लियर। विषुवत रेखा पर हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में चली जाती हैं। यहां पर क्या है? हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब, यहां पर क्या है? लो प्रेशर, यहां पर भी हाई प्रेशर, दोनों ध्रुवों पर उच्च वायुदाब पाया जाता है, क्यों? क्योंकि हवाएं नीचे उतरती हैं, दोनों ध्रुवों पर हवाएं नीचे उतरती हैं ठंडी होकर, इसलिए यहां पर उच्च वायुदाब पाया जाता है। विषुवत रेखीय क्षेत्रों में हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, इसलिए विषुवत रेखा पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में उच्च वायुदाब, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में निम्न वायुदाब, हवाओं का स्वभाव है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की चलना, इसलिए धरातल पर हवाएं चल पड़ती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखा की तरफ, धरातल पर हवाएं चल पड़ती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों से विषुवत रेखा की तरफ। हालांकि ये एक कोष है ना, एक चक्र है और इधर एक चक्र है, इसे हम कोष कहते हैं। दोनों गोलार्धों में हवा ने एक चक्र बनाया, एक चक्र उत्तरी गोलार्ध में और एक चक्र दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन इसे हम कोष कहते हैं। लेकिन धरातल पर पवन प्रवाह प्रणाली एक कोशीय नहीं है, ये तीन कोषों के रूप में है, दोनों गोलार्धों में यहां पर तीन कोष पाए जाते हैं, एक दो तीन, हवा तीन कोषों के रूप में ध्रुवों पर पहुंचती है और फिर से ध्रुव से विषुवत रेखा पर वापस आती है। ये थोड़ी जटिल पवन प्रवाह प्रणाली है, फिलहाल यहां पे बस इतना ही लिखना है कि प्रचलित पवने, है ना, धरातल पर तापमान नियंत्रण स्थापित करने का काम करती हैं, ये अधिक तापमान को ठंडे क्षेत्रों की ओर प्रवाहित करती हैं और ठंडे क्षेत्रों के कम तापमान को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ले आती हैं। ऐसा ये क्यों करती हैं? ऐसा प्रकृति ने जानबूझकर निर्धारित किया है ताकि पृथ्वी कहीं गर्म न हो जाए। एक्चुअल में यहां पर सूर्यातप की मात्रा अधिक है और यहां पर सूर्यातप की मात्रा कम है, यहां पर अधिक है और यहां पर सूर्यातप की मात्रा कम है। पृथ्वी सूर्य से जो ऊष्मा लेती है उसका पुनर्विकिरण कर देती है, उसे हम कौन सा विकिरण कहते हैं? पार्थिव विकिरण। सौरिक विकिरण जब धरातल से टकराता है, धरती गर्म होती है, तो पार्थिव विकिरण के रूप में ऊष्मा को बाहर निकालती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सूर्यातप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है, पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास कम होता है। संबंध को समझिए, दोनों क्षेत्रों के मध्य संबंध, यहां पर सौरिक विकिरण से सूर्यातप की मात्रा अधिक प्राप्त होती है जबकि पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास कम होता है। ध्रुवों पर क्या होता है? ध्रुवों पर सूर्यातप की मात्रा कम प्राप्त होती है लेकिन पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास ज्यादा होता है, यानी यहां पर प्राप्ति कम, यहां पर ह्रास ज्यादा, सॉरी यहां पर प्राप्ति ज्यादा है और यहां पर ह्रास ज्यादा है। मैं सूर्यातप की बात कर रहा हूं, मैं ऊष्मा की बात कर रहा हूं, यहां पर ऊष्मा की प्राप्ति ज्यादा है और यहां पर ऊष्मा का ह्रास ज्यादा है। ऐसे क्या होना चाहिए था? ऐसे तो विषुवत रेखीय क्षेत्र लगातार गर्म होते जाते क्योंकि यहां पर प्राप्ति ह्रास से ज्यादा है, ह्रास मतलब पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास। तो यहां पर सूर्यातप की जो प्राप्ति है ह्रास से अधिक है, पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का क्षय उतना नहीं हो रहा है जितना सूर्यातप की प्राप्ति हो रही है। इस नियम के चलते तो यह होना चाहिए था कि विषुवत रेखीय क्षेत्र लगातार गर्म होते चले जाते और ध्रुवीय क्षेत्र लगातार ठंडे होते चले जाते, लगातार ठंडे होते चले जाते, क्यों? क्योंकि यहां सूर्यातप की प्राप्ति कम है और जबकि पार्थिव विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास ज्यादा है ध्रुवीय क्षेत्रों में, तो इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों को लगातार ठंडे होते जाना चाहिए था। ऐसा होता तो क्या होता?
न जीवन लायक परिस्थिति विषुवत रेखा पर रह जाती और न ही ध्रुवीय क्षेत्रों पर रह जाती। लेकिन प्रकृति तापमान नियंत्रण का काम स्वयं से करना जानती है। प्रकृति ध्रुवीय क्षेत्र और विषुवत क्षेत्रों के बीच जो ताप असंतुलन की परिस्थिति है, ताप असंतुलन प्राप्ति ज्यादा क्षय ज्यादा, तो ये जो ताप असंतुलन की जो प्रवृत्ति है प्रकृति इसे संतुलित करना जानती है। प्रकृति यह काम दो माध्यम से करती है, प्रचलित पवनों के माध्यम से और महासागरीय धाराओं के माध्यम से। प्रचलित पवने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अधिक तापमान को पहुंचाते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में, इससे ध्रुवीय क्षेत्रों को कुछ गर्मी भी प्राप्त हो जाती है और साथ में ऊष्मा प्राप्त हो जाती है ध्रुवीय क्षेत्रों को, क्योंकि हवाएं विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर चलती हैं। मतलब प्रचलित पवने विषुवत रेखीय अधिक तापमान की दशा को ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंचा देती हैं। इससे दो फायदे होते हैं, विषुवत रेखा पर तापमान बहुत बढ़ नहीं पाता और ध्रुवीय क्षेत्रों को भी कुछ ऊष्मा प्राप्त हो जाती है। यही कार्य यानी प्रचलित पौने ध्रुवीय क्षेत्रों और विषुवत रेखा के मध्य ताप असंतुलन को पाटने का काम करती हैं। धरातल पर यानी इस ग्रीन प्लेनेट पर तापमान संतुलन को स्थापित करने का काम करती हैं। यही काम महासागरी धाराएं कर रही हैं, महासागरी धाराएं भी यही काम कर रही हैं। महासागरी धाराएं भी विषुवत रेखीय क्षेत्रों और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच जो तापमान असंतुलन है, प्राप्ति ज्यादा क्षय ज्यादा, किसकी प्राप्ति? तापमान की। किसका क्षय? तापमान का। तो महासागरी धाराएं भी क्या करती हैं? गर्म जल को कहां पहुंचा रही हैं? ध्रुवीय क्षेत्रों में। इससे विषुवत रेखीय जो तापमान है उसकी कुछ मात्रा कहां पहुंच जाती है? ध्रुवीय क्षेत्रों में पहुंच जाती है। यहां पे तापमान बढ़ नहीं पाता और यहां पे बहुत घट नहीं पाता और पूरी पृथ्वी पर जीवन लायक दशा बरकरार रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति पृथ्वी पर ताप संतुलन का कार्य दो माध्यम से करती है, प्रचलित पवनों के द्वारा और महासागरीय जलधाराओं के द्वारा। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।